ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। वास्तु गुरु चैनल आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए समस्त 51 शक्ति पीठ के बारे में आपको बताने जा रहा है। इसके क्रमशः 51 एपिसोड होंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक शक्तिपीठ की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि देवी पुराण अथवा महाभागवत में कहा गया है, मां शक्ति का ध्यान करते हुए आप समस्त 51 शक्तिपीठों के बारे में सुने और जाने। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि शक्तिपीठ के बारे में देवी पुराण में कौन सा श्लोक कहा गया है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगव अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महीतले। शक्तिपीठों की इस उद्भव कथा का वर्णन कहीं कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इनकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72। कुछ अन्य ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, किंतु देवी पुराण महाभागवत में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है। अब आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। जब महादेव शिव जी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं, तो उसी यज्ञ कुंड में कूद करके भस्म हो गईं। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव जी अपनी पत्नी सती के जले हुए शव को लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। उनका मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहाँ जहाँ माता के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। इन सभी 51 स्थानों पर जगदम्बा भवानी के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। जनमानस में परंपरागत रूप से इन सभी शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है। इन शक्तिपीठों का स्थान, वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति एवं भैरव का नाम तथा भगवती के किस अंग अथवा आभूषण आदि का कहाँ पतन हुआ था, इसका विवरण विभिन्न ग्रंथों तथा जनश्रुति के आधार पर प्राप्त होता है। प्राप्त विवरणों के आधार पर इन 51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त परिचय वास्तु गुरु चैनल के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मां आदि शक्ति का ध्यान करते हुए आइए जानते हैं 17वें शक्तिपीठ मिथिला के बारे में। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है एवं यहाँ पर देवी का कौन सा अंग अथवा आभूषण गिरा था। वर्तमान में यह शक्तिपीठ बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में देवी पूजन की परंपरा लोक जीवन में समाहित है। भगवती षष्ठी, चंडी, बूढ़ी माई आदि विभिन्न रूपों में यहाँ देवी उपासना प्रचलित है। यहाँ का मिथिलांचल तो साक्षात जगत जननी जनक नंदिनी देवी सीता जी का आविर्भाव स्थल ही रहा है। यह शक्ति उपासना के वैष्णव और तांत्रिक दोनों रूपों का केंद्र स्थल है। इस प्रदेश में देवी देह के अंगों से निर्मित 3 शक्तिपीठ स्थित हैं, जिसमें से एक शक्तिपीठ मिथिला है। इस शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। मिथिला में कई ऐसे देवी मंदिर हैं जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं। इनमें से एक
जनकपुर नेपाल से 51 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। दूसरा सहरसा स्टेशन के पास उग्र तारा का मंदिर है। तीसरा समस्तीपुर से पूर्व 61 किलोमीटर दूर सलौना रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर जयमंगला देवी का मंदिर है। उक्त तीनों मंदिर विद्वज्जनों द्वारा शक्तिपीठ माने जाते हैं। यहाँ देवी देह का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी और भैरव महोदर हैं, परंतु उग्रतारा मंदिर के विषय में मान्यता है कि वहाँ देवी भगवती का नेत्र पतन हुआ था। यहाँ एक यंत्र पर तारा, जटा तथा नील सरस्वती की मूर्तियाँ स्थित हैं। इस शक्तिपीठ के बारे में यह तीन मान्यताएं हैं जो कि आपको बताई गई हैं। इसके पूर्व में 16 एपिसोड 16 शक्तिपीठों की जानकारी देते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग रत्नावली शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे, जिसका स्थान 18वां बताया जाता है। हम यह भी जानेंगे कि यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है और यहाँ पर देवी का कौन सा अंग अथवा आभूषण गिरा था। हम केवल प्रामाणिक जानकारी ही दर्शकों तक पहुँचाते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।